वीडियो में हम आपको कुरांडा सीनिक रेलवे की जर्नी और कुरांडा विलेज के एक्टिविटीज दिखाएंगे। केन्स वाटरफ्रंट से हमने ये सफर शुरू किया। ये ट्रेन फ्रेश वाटर स्टेशन पर आती है। आज मैं केन्स से सीनिक रेलवे से कुरांडा जा रही हूँ, जो रेन फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा विलेज है। अगर टिकट्स को गोल्ड क्लास में अपग्रेड किया तो गोल्ड क्लास में एडिशनल स्नैक्स और सर्विसेज हैं। ये ट्रेन बैरोन वाटरफॉल्स के व्यू पॉइंट पर रुकती है। ये ट्रेन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और बहुत से ब्रिजेस और टनल्स को क्रॉस करती है। इस ट्रेन जर्नी की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज में की जाती है। फाइनली मैं पहुंच गई हूं कुरांडा रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, और मेरे हाथ में है बोर्डिंग पास। इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहां 1200 प्रजाति के अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और 800 प्रकार के रेन फॉरेस्ट पेड़ हैं। अभी मैं कुरांडा में बोट क्रूज के लिए जा रही हूँ और यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, फिशेस, बहुत कुछ एक्साइटिंग दिखने वाला है। रिवर बोट क्रूज के दौरान हमें क्रोकोडाइल भी दिखे। बोट राइड पर ये भी पता चला कि ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में है और रेन फॉरेस्ट 180 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। यहाँ आप ट्रेकिंग और ट्रेल वॉकिंग कर सकते हैं और कुरांडा विलेज मार्केट भी बहुत पास है। विलेज मार्केट्स एबोरिजिनल आर्ट और सोवेनियर्स के लिए अच्छा है। यहाँ खाने की भी जगह है। बटरफ्लाई सेंचुरी भी समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। स्काई रेल और रेन फॉरेस्ट स्टेशन पार्क के बारे में और जानकारी के लिए हमारा दूसरा वीडियो स्काई रेल पर जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्रैवल रिकमेंडेशन साइट ट्रिपोला को विजिट करिए।